दोस्तों आज हम आपको भगवान कृष्ण जी के अनमोल वचन बताने वाला हूँ जो आपके जिंदगी को बदल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारा चैनल स्पिरिचुअल वॉस को सब्सक्राइब जरूर करें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। सुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण और नजरिया अलग होता है। श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं, बल्कि यह हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों को सलाह की आवश्यकता नहीं होती, मूर्ख लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। पत्थरों के जुड़ने से घर बनते हैं और दिलों के जुड़ने से घर आबाद होते हैं। सही राह पर होने के बाद भी यदि आप वहां बैठे ही रहोगे तो कोई गाड़ी आपको कुचलकर चली जाएगी। हमारा चैनल स्पिरिचुअल वॉस को सब्सक्राइब जरूर करें। विजेता बोलते हैं कि मुझे कर कुछ करना चाहिए, जबकि हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। देश की रक्षा राजा की सेना नहीं करती, देश की प्रजा करती है। हर मनुष्य को ये याद रखना चाहिए, जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपना सम्मान नहीं कर सकते। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीजों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हम ही इसे देरी से जीना शुरू करते हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। हमारा चैनल स्पिरिचुअल वॉस को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमता दी है। लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो, बल्कि अपनी तपन द्वारा इसे गर्म बनाओ। यानी समय का इंतजार मत करो, बल्कि ऐसी कोशिश करो कि समय आपके अनुकूल हो जाए। किसी को अपना बनाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, जबकि किसी को खोने के लिए एक कमी ही काफी है। बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है जिंदगी को गलतियां करते गुजार देना। मिलने पर मित्र का आदर करो, पीठ पीछे प्रशंसा करो और आवश्यकता के समय उसकी मदद करो। सभी गलत कार्य मन से उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य ठहर सकता है। हमारा चैनल स्पिरिचुअल वॉस को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर से की गई प्रार्थना इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। मैं सब कुछ हूँ तो कुछ भी नहीं, बस यही सोच तो हमें इंसान नहीं बनने देती। मित्रों का चुनाव सावधानी से करें, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व की झलक हमारे उन मित्रों से भी मिलती है जिनकी संगत से हम दूर रहते हैं। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अपना कोई नाराज है तो खुद ही आवाज लगाइए। डर हमेशा आपको एक कैदी बना के रखेगा, जबकि खुले विचार आपको एक बादशाह बना के रखेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति के प्रश्न में ही आधा उत्तर छिपा रहता है। यदि एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है तो डरे नहीं। आप गहरी खाई को दो चोटी छलांग लगाकर पार नहीं कर सकते। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। रिश्तों का एहसास एक बेहतरीन पारिवारिक पंच है। घमंड किसी का भी नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। दोस्तों स्पिरिचुअल वॉस को सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन असली में अपना कौन है वो तो बस वक्त ही बताता है। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं। जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो।
मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। रिश्तों में जब झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे, तब यह समझना कि अब रिश्ता समाप्ति की ओर है, बहुत बड़ा फर्क है। अहंकार और संस्कार में, अहंकार में हम दूसरों को झुकाकर खुश होते हैं और संस्कार में हम स्वयं झुककर खुश होते हैं। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। दोस्तों, स्पिरिचुअल वॉस को सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर कुर चले जाएं। उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। गलती चाहे किसी की भी हो, झुकता हमेशा वही है जिसे रिश्ते की कदर और उसे निभाने की फिक्र हो। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है। जब आप अपने काम से काम रखने लग जाते हैं, तब ये दुनिया आपको घमंडी समझने लगती है। दोस्तों, स्पिरिचुअल वॉस को सब्सक्राइब जरूर करें। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बातों में है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त हुआ है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है, वही दूसरों की मेहनत की कदर कर सकता है। इंसान एक दुकान और जुबान उसका ताला, ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गवा दिए। दोस्तों, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वॉस को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल स्पिरिचुअल वॉस को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।